हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल। दोस्तों, मैं हूं आकाश पटेल, आप देख रहे हैं यूनिसेल मेक योरसेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज का वीडियो उनके लिए है जो बच्चे अभी प्लानिंग कर रहे हैं स्ट्रक्चर का सॉफ्टवेयर सीखने के लिए, लाइक स्टैट, ईडेव्स, सेफ, आरसीडीसी, एसएपी 2000, कोई भी स्ट्रक्चर का सॉफ्टवेयर आप सीखने वाले हो। तो उससे पहले क्या क्या टॉपिक्स आपको क्लियर होना चाहिए उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने यूनिक्स सिविल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले यूनिक्स सिविल ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जिनको आप ऑटो कैड, स्टैट प्रो में प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें फ्री और पेड दोनों कंटेंट है, जो आपको पसंद आए वो आप उसको लेके यूज कर सकते हैं। सो पहले आप लोग ऐप डाउनलोड करिए। चलिए, थैंक यू, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ, आप स्ट्रक्चर के जॉब के लिए ड्रीम देख रहे हो तभी स्ट्रक्चर के सॉफ्टवेयर को सीख रहे हो। अब इन सॉफ्टवेयर के पीछे, अगर मैं बात करूं, मुझे बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग के पीछे क्या क्या चीजें होती है। अगर मटेरियल्स की मैं बात करूं तो मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज आनी चाहिए ना आपको। मटेरियल कौन सा, मटेरियल का क्या प्रॉपर्टी, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, किसकी क्या डेंसिटी, पता होना चाहिए ना। सेम उसी तरीके से स्टैट प्रो, ईटेफ, सेफ, आरसीडीसी, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसके बैकग्राउंड में भी कुछ चीजें जो वर्क करती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या चीजें हैं ऐसी? सबसे पहली चीज तो होती है कि कोई भी, अगर हम लोग कुछ भी डिजाइन करने जा रहे हैं, उससे पहले बीम होगा, कॉलम होगा, फुटिंग होगा, स्लैब होगा, इनकी थोड़ी प्रॉपर्टीज, लाइक इनके कवर के बारे में पता होना चाहिए, इनके मटेरियल की डेंसिटीज के बारे में आपको पढ़ के जाना चाहिए। अभी कोर्स नहीं ज्वाइन किया है, ठीक है, आप ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी सीख रहे हो, लेकिन पहले ये चीजें क्लियर कर लो। कवर आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, परसेंटेज ऑफ स्टील आपको किस चीज के लिए, बीम के लिए, कॉलम के लिए, फुटिंग के लिए, जो भी परसेंटेज ऑफ स्टील लगता है उस पर क्लियर होना चाहिए। डाया बार मिनिमम मैक्सिमम अगर जिसका है उसका पता होना चाहिए कि डाया बार कितना होता है। आपको पता होना चाहिए डिफरेंट मटेरियल की डेंसिटीज क्या क्या है, मैंने पहले ही बताया, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। भाई इसकी डेंसिटी है तभी तो लोड कैलकुलेट करोगे, ठीक है, डेंसिटी इनटू थिकनेस, तो अब थिकनेस तो चलो ठीक है पता चल जाएगा, बट डेंसिटी कैसे पता चलेगा, तो ये पहले ही हमको पढ़ के जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन प्लस प्रैक्टिकल दोनों मिला के एसएफडी बीएमडी पता होना चाहिए, सीएल फोर्स बेंडिंग मोमेंट, इसके बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद डिफ्लेक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, डिफ्लेक्शन किसी मेथड से, व्हाट इज डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ये दो चीजें पता है तो दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन के बारे में, हॉगिंग एंड सैगिंग, हॉगिंग एंड सैगिंग आपको पता होना चाहिए। भाई हॉगिंग कहां पे आ रही है, सैगिंग कहां पे आ रहा है, इसका फुल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बीम का फेल होने का चांस इन्हीं से रहता है, हॉगिंग और सैगिंग से रहता है ना, तो वो चीज हमें पता होना चाहिए भाई कहां पर हॉगिंग आ रहा है, कहां पर सैगिंग, कितना आ रहा है, तो ये हमको देखना होता है। हमको देखना पड़ता है वन वे सीयर, टू वे सीयर क्या होता है, एलडी, एलडी के बारे में हमको पढ़ के जाना चाहिए स्टैट को सीखने से पहले, मतलब डेवलपमेंट लेंथ कहाँ पर कितना रखते हैं। लैपिंग के बारे में पता है तो मच मोर बेटर है कि लैपिंग कितना होता है, वेट कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसके बाद आप बीबीएस वगैरह भी निकालने की सोचोगे, तो वेट निकालने की जो डी स्क्वायर बाई 162.2 का फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग डाया को करते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन से बार की कितनी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मान लीजिए आप सेफ सीखने जा रहे हैं, उसमें रेनफोर्समेंट एरिया दिखा दिया 162 या समथिंग कुछ भी, अब उसको आपको पता होना चाहिए कि 8 mm के बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है, तो उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा डाया बार, सॉरी आपको पता चल जाएगा कि हमें कितने बार्स लगाने हैं, ठीक है। तो पहले आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। थोड़ा सा हाई लेवल में चलते हैं, आप वहां पर सीखोगे सीयर फोर्स की डिजाइन, सॉरी सीयर वॉल की डिजाइन, तो अब सीयर वॉल के डिजाइन के लिए आपको पता होना चाहिए ना सीयर वॉल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, मार्केट में कौन सा टाइप सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो सीयर वॉल की पूरी प्रॉपर्टी खींच के रखो उसको जाने से पहले। दोस्तों एक और चीज बताना चाहूंगा, मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वर्कबुक दे रहा हूँ, ये मैं अपने स्टेट्रो वाले जो बैच के बच्चे हैं जो ऐप से कोर्स वगैरह लिए उनको सबको भेजा ऑलरेडी, तो उनको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बाकी लोग जिसको भी क्या क्या चीजें, जैसे कि अभी आईएस कोड है, आईएस कोड के कौन कौन से क्लॉज पढ़ने चाहिए, वो इस पीपीटी में, बीएसएनएल की पीपीटी है, इसमें सब कुछ इंक्लूड है, इसमें दिखाया हुआ है कि भाई इस वाले पेज नंबर पे ये दिया हुआ है, मिनिमम मैक्सिमम स्टील का परसेंटेज कहाँ से देखना है वो भी इसमें दिया हुआ है, तो आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, बहुत काम की है, बहुत काम की है, एकदम बेसिक्स, ये जो मैनुअल का क्लास होता है उसका ये कंटेंट होता है, तो एकदम बेसिक्स सबका क्लियर हो जाएगा। अब
इन सब के बाद आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कहाँ पर कौन सी टाइप्स की फूटिंग यूज करेंगी। स्टैट को अभी पढ़े नहीं है, बट हमको फूटिंग का टाइप और कौन सी कहाँ पर यूज करना चाहिए ये पहले से पता है हमें, तो कितना बेहतरीन रहेगा ना कि आप खुद से डिसाइड कर लोगे कि यहाँ पर कौन सा हमें रखना चाहिए। थंब रूल्स फॉर कॉलम के साइज जो होते हैं ना उनके लिए थंब रूल, बीम के साइजेस के लिए थंब रूल, स्लैब के लिए थंब रूल। थंब रूल के अलावा अगर आप इनकी थोड़ी मैनुअल डिजाइन जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट थंब रूल जरूर पता होना चाहिए कि थंब रूल भाई कि हम लोग कैसे बीम का साइज डिसाइड करेंगे। कॉलम के ओरिएंटेशन, कॉलम का ओरिएंटेशन भी हमको पता होना चाहिए कैसे रखना होता है बिफोर लर्निंग द दैट सॉफ्टवेयर। उससे पहले अगर हमको पता है तो ये मच मोर बेटर होते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बट अगर ये आपको पता है तो स्टैट प्रो जब रिजल्ट निकाल के देता है ना एक बड़ी सी, तो आपको पता है अच्छा अच्छा एरिया है तो हमने पहले ही पढ़ रखा है। ओके ओके, यहाँ पर दे रहा है कि यहाँ पर जैसे कि अभी सेस्मिक एनालिसिस है, अब सेस्मिक एनालिसिस का रिजल्ट दे दिया, क्या दे दिया, बेसियर निकाल के देता है ना एच इंटू डब्ल्यू। अब ये एच आया कैसे भाई, सेस्मिक के लिए जो एच निकालते कहाँ से आया, तो एच का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, जेड आई बाई टू आर इंटू एस ए बाई जी, भाई कहाँ से आया ये। चलो ठीक है, ये एस ए बाई जी क्या होता है ए, और क्या बोलते हैं अपना जेड क्या है, जोन है, आई क्या है, इंपॉर्टेंस फैक्टर है, टू जी ये इसका, आर क्या है, आर है रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम वैल्यू, तो ये सब क्या होते हैं। तो मतलब सेस्मिक को मैनुअली अगर आप कर ले रहे हो फिर सॉफ्टवेयर सीखने जा रहे हो ना, बहुत क्लियर रहता है एकदम, अच्छा ये तो अपन ने किया है ऐसा लगता है। ऐसे ही विंड एनालिसिस की मैं बात करूं तो विंड एनालिसिस मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं तो लिख सकते हैं आप, अगर आपको लगे कि बहुत स्पीड जा रहा है तो धीरे धीरे लिख लीजिए। तो जैसे विंड एनालिसिस है, विंड एनालिसिस में वीवी के वन के टू के थ्री के फोर, अभी के फोर भी इंपॉर्टेंट होने लगा कई जोन में साइक्लोन को, जैसे तो के वन क्या होता है, के टू क्या होता है, के थ्री क्या होता है, ऑलरेडी मैंने सब पे वीडियो बना रखा है, आप सर्च करिए पढ़िए स्ट्रक्चर वाली प्लेलिस्ट में जाइए वहां पर सब मिलेगा आपको। तो कैसे करते हैं, इवन हमने ये भी बताया हुआ है कि शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट मैनुअली देखो और सॉफ्टवेयर से देखो क्या उनका डिफरेंस रहता है, तो वो भी हमने करके दिखाया हुआ, सर्च करके पढ़ने की जरूरत है, अपने आलस को खत्म करने की जरूरत है। वैसे मैं बताऊं तो आपको इसमें से कई टॉपिक्स पता रहे होंगे कि मुझे पढ़ना चाहिए, बट ये लेजीनेस अंदर आ जाती है कि ठीक है पढ़ लेंगे और उसकी वजह से वो प्रिपेयर नहीं हो पाता तो गड़बड़ हो जाता है। जब सॉफ्टवेयर सीखने जाते हैं तो हमें कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है तो फिर रिजल्ट तो डेफिनेटली गड़बड़ हो जाता है। तो प्लीज़ इसको पढ़ डालिए सारे जितने भी स्टेप्स मैंने बताए हैं। इसके अलावा आपको बीबीएस के बारे में अगर नॉलेज है, बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में जनरल नॉलेज, हम नहीं कहते कि आपको पूरा डीप में जनरल नॉलेज है, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये जो कोड सेफ होता है कोड सेफ में क्या क्या होता है, अच्छा ऐसे बार लगा हुआ है कौन सा कोड सेफ है, 00 है कि 01 है, तो ये आपको छोटी छोटी जनरल इन्फॉर्मेशन है जो कि अगर स्टैट प्रो ईटैप सीखने से पहले अगर आप सीख के जाते हैं इतने टॉपिक्स को तो बिलीव करिए आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, और वहां पर जो भी समझाया जाएगा वो आपको समझ में आएगा। थोड़ा और डीप में जाना चाहते हैं रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस के बारे में पढ़ के जाइए, टाइम हिस्ट्री एनालिसिस, पुश ओवर एनालिसिस, ये सब क्या डायनेमिक एनालिसिस है ना, पुश ओवर एनालिसिस क्या होता है, टाइम हिस्ट्री एनालिसिस क्या होता है, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस क्या होता है, पी डेल्टा एनालिसिस क्या होता है, ये सब पढ़ के जाओ, अपने आप तुम्हें सॉफ्टवेयर इजी लगेगा। एक वीडियो में और बनाऊंगा इस पे कि सॉफ्टवेयर का जो डाटा है उसको किस तरीके से हमें विजुलाइज करना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, किस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, तो भी बताऊंगा। बट अभी सॉफ्टवेयर सीखने से पहले की चीजें मैंने आपको बताई हैं, इतनी चीजों को नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करके इनको पढ़ डालो, बहुत फायदा होगा आपका। और अगर कोई बुक बोल रहे हो रिफर करने के लिए तो बुक मैं पहले बता चुका हूँ कि डॉक्टर वीएल सासर की बुक मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, मैं वही रिफर करता हूँ, तो अगर आपको पढ़ना है तो उसको ले लीजिए। चलिए मिलता है सर इस वीडियो में, हो वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास जो भी बच्चे हैं उनका 5-6 मिनट जो भी मैं लूँ वो यूटिलाइज हो प्रॉपर वे में, उनका फायदा हो, तो मैं हमेशा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। प्लीज इसको नोट डाउन करके स्टडी करिएगा। अगर किसी कंटेंट के बारे में बिल्कुल समझ में नहीं आता कि सर ये पढ़ता हूँ समझ में नहीं आता, नीचे कमेंट करो भाई, जल्दी हमारे टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा, ये टॉपिक आपका कमेंट था तो मैंने इसको टॉपिक बना दिया। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।